एक मुगालते में हम सब पड़े हुए हैं। वो मुगालता यह है कि जाहिरी कोशिश हमारे जिम्मे है और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, और समझते हैं कि ये बात सही है। बल्कि मैं क्या अर्ज करूं, दावत देते 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 अब यहां पहुंचे हैं कि कोशिश तो हम करेंगे, कामयाब अल्लाह करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, शर्म की बात है, शर्म की बात है कि यहां तो मुशरिकीन मक्का पहले से पहुंचे हुए थे, जहां हम दावत देते देते यहां पहुंचे कि जाहिरी असबाब पर हम कोशिश करेंगे, कामयाबी अल्लाह के कब्जे में है। मैं आपको कैसे अर्ज करूं कि यहां तो मुशरिकीन मक्का पहले से पहुंचे हुए थे। मेरी बात की तरफ बहुत तवज्जो देनी होगी। हम अब यहां पहुंचे हैं कि असबाब हम इख्तियार करेंगे, तिजारत में मेहनत हम करेंगे, नफा अल्लाह देंगे, ज़राअत हम करेंगे, नफा अल्लाह देंगे, हुकूमत हम करेंगे, इज्जतें अल्लाह देंगे, दवाएं हम खाएंगे, शिफा अल्लाह देंगे। अभी हम दावत देते देते वहां पहुंचे हैं जहां मुशरिकीन मक्का पहले से पहुंचे हुए थे। तिमाद एक सहाबी हैं, अज़दशनुआ के हैं, कबीले से। वो आए मक्का मुकर्रमा, अभी इस्लाम नहीं लाए थे। वहां सुना मुशरिकीन मक्का ने ये कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों का इनकार करते हैं, हमारे बड़ों को गुमराह कहते हैं, हमारे दीन में ऐब लगाते हैं। जमात कहते हैं मेरे दिल में यह बात बैठ गई कि इस आदमी पर कोई असर है और मुझे इसका इलाज करना चाहिए। जमात आपके इलाज के लिए गए और आकर यह कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका इलाज करने के लिए आया हूं, शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है। मुश्किल कह रहा है मैं जाहिरी कोशिश करूंगा आपके इलाज की, शिफा तो अल्लाह ही देते हैं, मैंने औरों की भी कभी इलाज किया है आपके अलावा, और लोगों का भी इलाज किया है, अल्लाह ने उनको भी शिफा मेरे जरिए से दी है, लेकिन मैं आपका इलाज करूंगा जो मेरे पास तरीका इलाज का है, शिफा अल्लाह के हाथ में है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मुसलमान अब ईमान यकीन की बातें करता करता यहां पहुंचा है कि मेहनत जाहिरी कोशिश हम करेंगे, कामयाब अल्लाह करेंगे, तो यहां तो मुशरिकीन मक्का पहले से पहुंचे हुए थे। मेरी बात की तरफ तवज्जो दो, यहां आके इसका फैसला करना होगा कि कायनात के नक्शे अल्लाह से लेने का जरिया नहीं है, बल्कि खुदा की कसम सिर्फ आमाल ही अल्लाह से लेने का जरिया है। यहां इस वाकये को बयान करके अगर नतीजा नहीं निकालोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा कि ईमान क्या है, शिर्क क्या है। हज़रत बार बार फरमाते थे अल्लाह की ज़ात आली से फायदा उठाने के लिए कायनात का यकीन निकलना शर्त है। हम सब दावत देते देते यहां पहुंचे कि ये बात नहीं कि कोशिश भी हम करेंगे नतीजा भी हमारे हाथ में। ये कहते हैं कोशिश हम करेंगे नतीजा अल्लाह के हाथ में है, और मैं ये कह रहा हूं कि इस पर मुशरिकीन मक्का पहले पहुंचे हुए थे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका इलाज करूंगा और अल्लाह ने मेरे जरिए से बहुत शुक्र शिफा दी है, शिफा अल्लाह के हाथ में है, वो चाहेगा तो मेरे जरिए से आपको शिफा दे देगा, मगर मैं जाहिरी कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे सराहतन अर्ज कर दूं कि सवाल आधा है,
یہ سوال آدھا ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں. نہیں, بات پوری یہ نہیں ہے. بات پوری یہ ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں اور کرنے کا ضابطہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس طرح پورا ہوتا ہے.